खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। रेलवे परिचालन से एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम। जिला रिपोर्टर एमडी यूसुफ सुपोल। फारबिसगंज रेलवे परिचालन से एक तरफ खुशी का माहौल है तो वहीं एक तरफ गम। जी हां, ये आम मामला जिला सुपोल के प्रतापगंज प्रखंड के चिलोनी उत्तर पंचायत भालूकूप गांव का है। ये गांव की आबादी लगभग 2 से 3 हजार के बीच के करीब है और इस गांव में 3 वार्ड हैं और ये गांव NH 57 फोर लाइन रोड से महज 500 मीटर की दूरी पर है और इस गांव के लोगों को अपने घर से रोड पर आने के लिए रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है। उससे पहले भी भालूकूप गांव से रेलवे ढाला तक सड़क नहीं थी जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियां झेलना पड़ता था, लेकिन अब जब रेलवे की पूरी तैयारी कर ली गई तब भी रोड का बनना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इन लोगों को रेलवे के बगल होकर ढाला तक सड़क बना दी जाए तो इन सभी का समस्या का समाधान हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को यदि रात्रि में कोई बीमार पड़ गया तो अस्पताल ले जाने के लिए बस एक रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वही सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे के काम को बंद करके प्रदर्शन किया। अब देखने वाली बात यह है कि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक होगा। हम लोग को 2000 आबादी है, अभी तक जो है यहाँ नई सड़क बना है। सड़क जब कहते हैं यहाँ ठेकेदार को तो कहता है कि आजकल कहते रहता है ढाला नहीं है, ढाला जो है नहीं बना रहा है हम लोग के लिए। मगर रात में अगर किसी को परेशानी हो जाए, किसी को सांप काट ले या डिलीवरी पेशेंट हो जाए तो वहाँ गाड़ी नहीं पहुँचेगा और गाड़ी भी नहीं पहुँचेगा, आदमी मर जाएगा। उसके लिए जो है सरकार भी अभी कोई नहीं सोच रहा है, यहाँ जो है कहते रहते हैं मगर सुनता नहीं है। किसी को सूचना दिए? हम लोग ना तो बहुत को दिए हैं, हम लोग साहब आए कितना गए हैं, कितना साहब जो रेल का विभाग का है जो काम करता है उसी को हम बोले हैं सर। हम तो आगे तो नहीं प्रधानमंत्री को हम बोले हैं, यही जो बोला हम बना देंगे। अभी देखिए उस पार खेत है, इस पार खेत है, हम लोग को खेत या खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो हम तो मर जाएंगे खाने पीने के लिए, बाल बच्चा भी मर जाएगा। या अभी जो काम हुआ है शादी विवाह हुआ तो कोई गाड़ी भी नहीं गया उधर से अनेस पर खड़ा करके, वो बराती गया हुआ। आप बताइए कैसे हम लोग निकलेंगे, कैसे करेंगे, खेती नहीं होगा तो क्या खाएंगे, बताइए। आगे जो सूचना दिए तो उसका जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि आप बना देते हैं, चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ जाने टाइम में आपको क्लियर कर देंगे। अभी जा रहा है वो लोग काम करके, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, 2 महीना से हम लोग को ठग रहा है, 2 महीना से हम कॉस्ट काट करके इधर से पैर से कोई सामान ले जाते, कपासी पर उठा करके उस गाँव ले जाते हैं, कल ट्रेन चलने लगा हम लोगों को। क्या मतलब समस्या है, क्यों आप लोग काम को बाधित करवा दिए? समस्या ये है कि देख रहे हैं इस साइड तीन वार्ड नंबर है करीबन, भालूकूप गांव है जिसमें कि वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 है, जिसका एक ही मुख्य द्वार यही है निकलने की, एक ही रास्ता है। लगभग करीबन 4 से 5 हजार की आबादी है यहाँ पर, जिसमें हम लोग को यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी आए हैं हम लोग सबको रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हम लोग को यहाँ पर आने जाने की कोई सुविधा दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ पर पश्चिम से नहर है, नहर में भी रास्ता जाम ही कर दिया गया है। अब अंदाज कीजिए कि यहाँ पर करीबन 4-5 हजार की जन आबादी में कल के दिन में किसी को इमरजेंसी कोई हो जाए तो मतलब यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पड़ता है हम लोग की कोई मार्केट, जैसे मार्केट सिमराही बाजार बीच में 5-6 किलोमीटर पड़ता है, प्रतापगंज भी 5-6 किलोमीटर पड़ता है, बीच में कोई आने जाने की सुविधा, मुख्य रोड पे जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए, ठीक है हम लोग काम को बाधित करने के लिए कभी नहीं चाहे बार बार, लेकिन आज 8 रोज से ये लोग काम पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, 8 रोज से। कल एक तो डिलीवरी केस था, हम लोग को लेकर के जा रहे थे हॉस्पिटल, मतलब उठा करके यहाँ से ले गए रोड पर ले करके, तब वहाँ पर टेम्पो भाड़ा किए उसके बाद ले गए। अब इससे अंदाज कर सकते हैं सर कि कितना, एक तो कल डिलीवरी केस था, कल के दिन में ऐसा कोई और समस्या हो जाए हम लोग को तो दूसरा कोई चारा नहीं है, अब इससे अंदाज उठा सकते हैं। नहीं अगर यकीन होता है तो एक बार घूम करके देख लीजिए। सड़क अभी जो ठेकेदार है रेल का ठेकेदार अभी 2 महीना से ठग रहे हैं हम लोग को, गाड़ी घोड़ा उधरे है,
अभी हमको पटवा की खेती है, धान सूख गया है, उधर हम काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर जो जमींदार खेत वाला ट्रैक्टर वाला है इधर खड़ा कर दिया है, कोई नुकसान नहीं है जाने का, उधर उधर कोई व्यवस्था नहीं है, नॉर्मल पुलवा नहीं है, निकासी ना है, सब खेत सूख रहा है, धान सूख गया है, पटवा वहाँ काट कर रखा हुआ है, बोला ठेकेदार हम लगा दे इधर से मुँह निकाल देंगे, हमको मुँह अभी तक नहीं निकाले हैं, दो तीन महीना से जो है आज कल जब तक हम लोग का काम नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं होगा, हम बनवाने नहीं देंगे ट्रैक्टर रोड को, रोड को हम नहीं बनाने देंगे भाई, जब तक शाम नहीं हो।